Assalamualaikum, we are back to my channel, जिसका नाम है ज़ैन बेबी व्लॉग्स। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो आगे वीडियो। तो आज बहुत हैवी वाला सीन है, क्योंकि आज मैंने जाना है ड्यूटी पे अपनी। तो वो क्या करूँ मैं, आपको क्या बताऊँ कि अभी सुबह सुबह उठा हूँ, नाश्ता भी नहीं किया। तो सबसे पहले चलते हैं बाहर, देखते हैं मजदूर क्या कर रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं किधर तक पहुंचा हमारा काम। चलो, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ बाहर। तो उधर मजदूर लगे हुए काम शाम कर रहे हैं, तो लाग भी पड़े हुए हैं काफी। इधर इंटे विंटे सही कर रहे हैं भाई ये लगे हुए, और सीमेंट शीमेंट भी आए हुए, बाकी सीमेंट ये रेत भी पड़ी हुई है। चलते हैं इधर, देखते हैं उधर, देखो कहाँ तक पहुँच गई है दीवार हमारी। तो दिखाते हैं आप लोगों को क्या सीन होता है अंदर से। लंच में बना हुआ है कार, तो यहाँ पर ने की दीवार तो माशाल्लाह बन चुकी है। अब ये तोड़े हैं भाई, इसको भी सही करेंगे दीवार को भी। इधर भी ऊपर हो चुके काम, तो ये नीचे सीमेंट सीमेंट पड़ा हुआ है सारा, इन लोगों ने करके रखा है सारी चीज़ें। तो बीच में दीवार थोड़ी है, इसमें पता नहीं क्या करेंगे, बराबर करके कुछ चीज़ लगाएंगे इसके अंदर। उधर से भी रेडी हो रहा है, ऐसा सा रेडी होगा सारा, आपको दिखाएंगे। भाई भी बहुत काम कर रहे हैं, चेक कर सकते हो। ये देखो जी, वो देखो जी, वो देखो, वाह जी वाह, गुड हो गया जी। इधर से भाई ने सारी चढ़ा दी दीवार, इधर से वॉशरूम को बंद करें बिल्कुल, ताकि कोई मसला परेशानी ना हो बाद में। माज आया, माज से पूछते हैं क्या सीन है। माज बेचारा अभी तक नींद में है, पता नहीं क्या करने आया है। क्या करने आया? वाओ ब्यूटीफुल, मुंह तो धो लेता यार सही सा। चुप कर बे कुत्ते, मुंह धोया नहीं है पहले, पहुंचा है देखने के लिए क्या सीन हो रहा है क्या सीन नहीं हो रहा। चलते हैं जाके नाश्ता शाश्ता करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं फिर। 10 years later, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं नाश्ता कर चुका हूँ और कपड़े शपड़े चेंज किया, फ्रेश हो चुका हूँ। तो वापसी आया हूँ तो देखा तो दीवार चढ़ी हुई थी भाई, वो देखो भाई चढ़ा रहे हैं ऊपर। तो ये देख सकते हैं भाई ने दीवार में चढ़ा दिए कले में, आज वागुट हो गया। इसके ऊपर ये भी चढ़ी हुई थी, उसके बाद आए तो ये टूटी हुई थी आपके सामने, ये भी चढ़ गई माशाल्लाह से, आज वागुट हो गया। तो अभी मेरी तैयारी है बस जॉब पे जाने की, अल्लाह करे वहाँ पर बस आसानी पैदा हो, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा सीन है कि मैं वहाँ से अंदर आ चुका हूँ, मैंने कहा वहाँ को बता दूँ कि तेरी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मैं जाने लगा हूँ जॉब पे। तो अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह दिखाता हूँ आप लोगों को क्या करता हूँ जॉब में और किधर जाती है मेरी जॉब, किस जगह मेरी ड्यूटी लगती है। क्योंकि मेरा मार्केटिंग वाला काम है, तो मार्केटिंग में हर मार्केट में विजिट करना पड़ता है आपके भाई को, इसलिए तो ख्वारी काटनी पड़ती है। तो मास्क समझाए थे, मास्क समझ आ गई आपको, मैं जा रहा हूँ तो आपने उधर जाके रखवाली करनी है, कोई भी चीज़ चाहिए हो तो ला के देनी है उनको। ठीक हो गया, गुड हो गया जी, बस अब मेरी तैयारी है, चलते बाय बोझो, मिलते हैं वहाँ पर जाके आप दोस्त अगर फ्री हो सके तो। काम बहुत ज़्यादा होता है यार, ब्लॉग का टाइम नहीं मिलता। आप लोग दुआ करें कि बस जल्दी से काम छोड़ दूँ, काम लगा ही है छोड़ दूँ, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे ना, इंशाल्लाह छोड़ भी दूंगा। तो मिलते हैं इधर जाके। यहाँ से मैं जा रहा था सीधा सीधा ऑफिस, क्योंकि लेट हो चुका था, इसलिए बस चलते हैं ऑफिस। ऑफिस से निकला तो ऑफिस में वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, और मैं भी बना नहीं सका इतना। मैंने कहा कि कोई नहीं, चलते हैं बस अपनी भीड़ की तरफ। तो अभी जा रहा था अपनी जगह पे, किसी मार्केट वगैरह पे, तो चलते हैं जी ए टी, तो उधर जाके आपसे मिलते हैं। Years later. लोग देख सकते हैं कि मैं आ चुका था G8, तो रात हो गई चुकी थी, तो काम शाम किया, बहुत ज्यादा थक गया था। मैंने कहा कहीं बैठ जाऊं, तो मोबाइल का मुझे याद ही नहीं रहा कि ब्लॉग भी बनाने, क्योंकि काम की इतनी टेंशन थी कि हो रहा भी नहीं था। तो मैंने कहा बस क्या करें बंदा, तो इसलिए मैंने हल्की सी वीडियो बनाई। मैंने कहा घर जाके डबिंग कर लूंगा, तो अभी डबिंग नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग भी दुआ करें यार, बस अल्लाह पाक आसानी करे मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, जो जो मेरा भाई वीडियो देखता है अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। तो चलते हैं अभी घर वापस, तो आप लोगों से जाके मिलते हैं बस। आप लोग देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ घर वापस, तो क्योंकि रात हो चुकी है, तो मैंने कहा व्लॉग भी नहीं एंड किया था,
और मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ। मार्केटिंग का काम बहुत मुश्किल होता है, व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता। आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ये काम छोड़ दूँ। तो आप लोगों की मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, मुझे मेरे लिए भी दुआ किया करें और मुझे भी सपोर्ट किया करें ताकि मैं भी कामयाब हो जाऊँ इंशाल्लाह। तो यहाँ पर होती है हमारे व्लॉग की एंडिंग। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। इसी वाले अपने भाई को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।